जगह बैठन वास्ते है। हाँ जी उथे ख्याल लै चलो। हजूर ने आख्या महा सिंघा एवें थोड़ी गल पिछे अपना मन हार के पुत्रा जितना बाजिया हार चलिया। और एक गल याद रही जेड़िया गंढा अज हाथ नाल दे चलिया कदे मूह नाल खोलनिया पैणगी। कदे कदे हाथ नाल दित्तियां गंढा मूह नाल खोलनिया पैंदियां ने। खालसा जी एक गल याद रखो फुल की कदर उन्ना चर हुंदी है जिन्ना चर डाली नाल जुड़िया रहे। जदों डाली नालों फुल लह के डिग पवे लोग पैरों थले मसल के अगे लंघ जांदे। समे की कदर उन्ना चर हुंदी जिन्ना चर छाती डाह के जंग विच लड़े। जदों सूरमा छत पिठ कर कान चो नस जाए ओदा मुल काना नहीं जे रहिंदा। ते सिख की कदर उन्ना चर हुंदी जिन्ना चर गुरु नाल जुड़िया रहे। जदों गुरु टुट जाए सिख की कीमत एक पैसा नहीं रहिंदी। एक राजनीति वाला कहिंदा है कुछ गल्लां राजनीति दियां दसन लगां तां रख। एक नीतिवान कहिंदा है दर्ब ते कुलच जाए। पढ़े लिखे सज्जन बैठे ने जरा ख्याल दिओ कुछ नीति दियां गल्लां कहिण लगां। राजनीति वाला कहिंदा है दर्ब ते कुलच जाए। दर्ब कहिंदे ने माया नूं। जे बंदे कोल माया चोखी जमा हो जाए ना ते उहदा कुलच पुणा ढकिया जांदा है उहनां ते वी पर्दा पै जांदा है। कहिंदे जी सरदार होरी बड़े पुन्नी दानी ने अमीरां दे कर्मां नूं पैसे दा पर्दा अमीर धर्मां नूं पैसे दा पर्दा अमीरां दी जिंदगी नूं पैसे दा पर्दा अते शर्मिंदगी नूं पैसे दा पर्दा। दर्ब ते कुल जाए ते राजनीति वाला कहिंदा शूम ताके जस जाए। जिहड़ा बंदा शूम होवे ना कंजूस सकदी क्योंकि उन्हें किसे सज्जन मित्र नूं आए नूं चाह दा कप नहीं पुछना उहदी शोभा कि होजू। एक कवि किसे मित्र दे घर गया उन्हें गया नूं चाह दा कप भी ना पुछया। जदों मुड़ के आया तो घरवाली पुछण लगी सरदार जी सुनाओ फिर सेवा कैसी तुहाड़े मित्र ने कीती। कवि सी उन्हें सवैया लिख मारिया कहिंदा काढ़ के दांत कंजूस मिलियो कुछ भूत पर रेत का रूप बना जी एवें सखणी आओ जी आओ करे टकोर ना पूछ पा जी पर निमणी झिमणी बहुत करे जिवें विच मसीत दे निवें निमा जी आओ जी बैठो जी भाजिया जी लाला जी जी राजी जी बा जी। उन्हें डेढ़ घंटा सुख सांद पुछण विच ला देना चाह दा कप नहीं पुछना तो फिर उहदी शोभा किवें हो जाए। राजी वाला कहिंदा है दर्ब ते कुलच जाए शूमता ते जस जाए। एक कंजूस भैड़ा जिहा मके तुरिया आवे किसे ने पुछदार जी कोई नुकसान हो गया कहिंदा नहीं कहिंदा दान कर बैठा है कहिंदा नहीं। उन्हें कहा तकलीफ केड़ी गल दी बड़ा भैड़ा मूंह बनाया ही कहिंदा यार ना कोई मेरा धन गुआचा ते ना मैं कीता दान। वो कहिंदा तकलीफ केड़ी है कहिंदा यार दान करदियां नूं वेख के मेरे निकल चले सी प्राण लो गुआंढियां वाले वेख के मरन लगा भी इन्ने डालर कहनू दान। शूमता ते जस जाए। राजनीति वाला कहिंदा कुनारी ते कुल जाए। जिस खानदान विच इक कुनारी होवे ना वह खानदान का नाश कर देंदी। योग जाए कुसंग ते भैड़ी संगत करन वाला कदे योग ही नहीं बन सकता। राजनीति वाला कहिंदा दर्द ते कुलच झूमता ते जस जाए कुनारी ते कुल जाए योग जाए कुसंग ते लाड किए पुत जाए। मुंडे नाल बहुता लाड करोगे मुंडा वे मुंडा स्कूले पढ़न जांदा है किसे दी किताब चोरी कर लिया सियाणी मां दह चपेड़ा मुंह ते मारे मुंडा मुड़ के चोरी नहीं करेगा। ते जे मुंडा किसे दी किताब चुक लिया ते मां आखे आ मेरा चन वर्गा लाल मुंडा बड़ा हुशियार हुण मुंडे दी भावें नली वगदी फिरे मां दे भाणे दा रामचंद्र ही हुंदा पर मुंडा फिर विगड़दा विगड़दा पक्का स्टैंडर्ड चोर बन जाएगा। तो वड्डा हो गया फिर उन्हें बापू दियां बैठकां कढ़ाउणियां ने लाड किए पुत जाए। ते भुख ते मर्यादा जाए। जिहड़ा भुखा बंदा है ना मर्यादा छड़ जांदा है। भुखे बंदे नूं हाथ धोण दा चेता नहीं रहिंदा फिर पुछो ते भुखा बंदा असूल छड़ जांदा है भुखा पार्टी छड़ जांदा है भुखा बंदा अपना सब कुछ ही त्याग देंदा है। एक ब्राह्मण बेचारा किन्ना चाहुंदे भुखा ते कुदरती श्राद्धां ते देण आ गए। एक माई ने नेंदा देता एक भुखा ने दूजा खाण नूं खीर मिल गई ज्यां लगा फिर पिछा भुला के शगन खा खा के बीन डरगा हो गया ते मेदे बर्दाश्त ना होया मेदे तो दर्द शुरू हो फिर दौड़िया गया डॉक्टर जी मैं मर गया डॉक्टर जी मैं मर गया। उन्हें कोई गल दस कहिंदा पेट च बड़ी दर्द हो रही कदों मामूली गल आ एक पूरी चूरन की खा लो गर्म पानी नाल हुणे आराम आ जू।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਚੂਰਨ ਖਾਂਦੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੀਰ ਦੀ ਤਰਸੀ ਲਾਹੌਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਏ। ਪੰਡਤ ਤੁਰੀ ਨੇਂਦਾ ਖਾਣ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਣ ਗਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਆਉਂਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਲਟਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਂਦਾ ਖਾਣ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰਾਂ ਕੜਾਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਥਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਨੀਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਡ ਕੀਏ ਪੁੱਤ ਜਾਏ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਏ ਬੁੱਧ ਜਾਏ ਭੰਗ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਗਾ ਛੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਜਾਏ ਭੰਗ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਕੀਏ ਮਿੱਤਰ ਜਾਏ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਕਬ ਤਕੀਏ ਮਿੱਤਰ ਜਾਏ, ਮਾਂਗ ਹੂੰ ਮਾਨ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਮਾਂਗ ਹੂੰ ਤੇ ਮਾਨ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੋਲ ਤਾਈ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਤੱਤ। ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਕੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੋ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨੀ ਦੇਖ ਲੜੀਏ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਲੜਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹਾ ਲੜ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਖਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੜੀਏ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਕਾਟਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਨੀਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਜਾਏ ਡੰਗ ਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਹੂੰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਏ, ਮਾਂਗ ਹੂੰ ਤੇ ਮਾਏ, ਬੋਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਜਾਏ ਗੰਗ ਤੇ, ਅਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਜਾਏ, ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪੱਸਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਗਈ, ਤਦੋਂ ਵੀਰ ਤਾਈ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਜੰਗ। ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਛੰਨੇ ਛਕਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ सरदार जी की हाल है जे हाल होवे ना चंगा ओह कहंदा जी बड़ी चढ़दी कला बड़ी बाबे दी मेहर जे कोई हाल ढिला मठा होवे फिर ओह कहंदा जी वाह भाईए जेड़ा आखे ना वाह भाईए समझ लो कि गल ढिली मठी उन्हें आखिया भाई आनंदपुर साहब का की हाल है वाह भाई कहते वहले का की मतलब सीधी तरह दसो जंग फते होया कि नहीं कहते नहीं जंग तो उस तरह हो रहा कहते तिरस्कार करते कोई कहता सी जी औरत पैर की जुत्ती है कोई कहता सी जी औरत शूदर है कोई कहता सी औरत बंधन है तो गुरमत विच इहनूं आख्या गया अर्धंगी अर्धंगी का मतलब बंदा अर्ध अंगी बंदे का अद्धा अंग मित्र ते यार जो सारे साथ छड़ जाण उस वेले पति दी है वफादार इस्त्री गुरु महाराज गुरबाणी विच आख्या सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान एक बुजुर्ग ने मेरे नाल कीतियां एक दिन कहन लगा ज्ञानी जी नरक भी इत्थे आ ते स्वर्ग भी इत्थे आ मैं आख्या किवें उन्हें मैनूं एक शलोक सुनाया वह कहिंदा वी पंजाब दे सियाने बुजुर्ग कहिंदे सी वी घिओ नवां ते कणक पुराणी घर सतवंती नाल चौथे पीठ तुरंग की स्वर्ग निशानी चार घिओ नवा तो मतलब है ताज़ा मक्खण लोग सवेरे उठ के बीबियां दही रिड़कदियां सी लोग मक्खण खांदे सी हुण मक्खण ते इंडिया च सुपना ही हो गया है गरीबां नूं लभदा नहीं ते अमीरां नूं हुंदा भी इहनूं खावे कौन आ साडे भा दा तुन खदमां नूं खाणा डालडा ही रह गया है वाहगुरू जानदा है इधर तुसीं मक्खण खांदे जे पर इधर लोग दिलचस्पी नहीं लैंदे इधर भी उहो ही गल है उधर लभदा नहीं ते इधर हजम नहीं हुंदा गल उहो ही है तो दीवान कहिंदा है भी घिओ नवां ते कणक पुराणी पुराणी दा मतलब 12 महीने घर दी कणक खावे भी उह नहीं भी असू कत्तों नूं फड़ के तुर पवे
एक वह भी पुरानी गई सी इधर मैक्सीको जो सुसरी की खाधी वह पुरानी नहीं प्यो नवा तिक पुरानी कर सतवंती नार आग्या कर पत्नी होवे चौथे पीठ तो रंग की चढ़न वास्ते साइकिल होवे राह होवे कार होवे मुझ सवारी होवे बस समझ लवे मैं स्वर्गां च रहना। मैं उन्हूं पुछया मैं क्या बाबा जी फिर नरक केड़े होए मैनू कहिंदा दिलबर जी सौ हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ जिथे पति पत्नी का जोड़ नहीं उथे होर नरक दी ते गल है भी ठीक है। असीं एक बारी कश्मीर जाना सी ते पठानकोट उतरे ते साडा एक दोस्त मिल कहिंदा ज्ञानी जी कुदरती दर्शन हो गए ने चलो प्रशादा छके जाओ। मैं क्या बई उत्तों वर्खा हो रही है झड़ी लगी है ते इत्थे तुसीं तां फटाफट टूटी मरोड़दे जे गैर लट बलदी है फुलके पक जांदे ने इंडिया जग बालनी होवे ते लकड़ां ते गोहे धुखदे ने ते धुआं चढ़दा है ते बुरा हाल इहो जिहे जदों रोटी पकाउणी भी औखी है भी चल यार फेर सही कदे उह कहिंदा जी फेर खूहां ते खरासां दे कुदरती दर्शन हो गए ने कार जरूर। मैं साथियों नाल सलाह की कहिंदे चलो बहुता प्रेम करदा है वह बेचारा लैके सानू घर आ गया सानू तो बाहर ड्योड़ी भी खड़े किते आ बन गया हुण अगों श्रीमती अग बाले फूका मार मार के सिर खपाई बैठी लकड़ां गिलियां अग बले ना उत्तों चढ़ी वो जाके कहिंदा करमा वालिए चार परौने होर आ गए ने तो बनास वार कहिंदी फूका तैनू ते नाले तेरे परौणियां नू। मैं क्या सुन लो शलोक साडा सुरंगी मास्टर परे परे नू जाए मैं हो अगे खाला परौठा कहिंदी करमा वालिए कहिंदा ये पंजाब के बड़े मशहूर ढाडी ने ज्ञानी ने वो आ जी खावा तैनू ते नाले तेरे ज्ञानियां नू। मैं कहो धर्म पत्नी एक बघ्याड़ रखे है मैं कह बीबी जी हुण दा डंगे दे नाल कर लो लोर हो ते कल नू आ जांगे क्यों ढड सारगा चुकिया सी मोटरां दे अड्डे जा वड़े। मैं कहा असीं फुलका छकन आए सन दी वाहगुरू बचा लै इहो जी धर्म पत्नी तो वह मैनू बाबे दी गल याद आई भई जिथे पति पत्नी का जो